ऐसे करके आना है यहाँ पर। इसकी पहली वेबसाइट आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद ये मैंने लॉक डाला, इसलिए लॉक आ चुका है। आप उसे खोलेंगे, देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको देखना है अपना खाता। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखना है अपना खाता कहाँ पर लिखा हुआ है। भूले दाखिल खर्च निबंधन डिजिटल अपना खाता देखें, जो कि देखिए यहाँ पर जो है अपना खाता देखिए। तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ देर देंगे चाहेंगे खोलने के लिए। खुल जा भाई, देख खुलने के बाद यहाँ पर जूम करेंगे और इसमें से अपना जो क्या ज़िला है उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा ज़िला बक्सर है तो मैं बक्सर यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, कुछ टाइम लेगा अभी। ये खुलने के बाद और आप यहाँ पे अपना प्रखंड डालेंगे, जैसे मेरा प्रखंड इटाढ़ी है जिसे थाना बोलते हैं हम। इसमें आप क्लिक करिए कीजिएगा, कुछ देर टाइम दीजिए। वो खोलने के बाद आपको ऐसे जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ से आ जाइए और इसे जूम करेंगे। इसे जूम करने के बाद इसमें अपना जो है गांव का नाम देखेंगे, जैसे मेरा नाम पर मेरा गांव का नाम है उराप, तब उराप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग ले रहा है, लेने दीजिए कोई बात नहीं, लेता है। सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पर अपना खाता संख्या देख सकते हैं। यहाँ से खाता संख्या खेसरा संख्या कोई भी डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी का मैं देखता हूँ तो सर्चिंग आईटी में सर्चिंग लेगा। खाता संख्या मान लीजिए जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 38 डाल दिया। 38 डालने के बाद यहाँ पर आएंगे खाता खोजे, यहाँ पर आ जाइएगा। सर्चिंग ले रहा है, लेने दीजिए, थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है इसलिए ले रहा है। खुलने पर देखिए यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा जो सिस्टम है पूरा वहाँ पे खुल जाएगा। जैसे पूरा चार्ट बनकर आएगा, आप उसमें अपना नाम, पिता का नाम, बाबा का नाम ऐसे कर